हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं होया हार्ट के बारे में। ये होया केरी प्लांट है, इसे वैलेंटाइन प्लांट भी कहा जाता है और स्वीट हार्ट प्लांट भी कहते हैं और होया केरी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, मेरे पास ये दो वेराइटी हैं, एक तो ये वाला है होया केरी होया हार्ट और एक ये है, ये वेरीगेटेड है जिसमें ग्रीन कलर का ये प्लांट है और उसका जो साइड में जो इसका बॉर्डर है वो येलो, इसमें वेरिगेशन है। और वैसे मैं ये होया केरी पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके आप उसको लिंक देखकर वो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए। और बात करते हैं इसको ग्रो करने के बारे में। तो इसका जो पोटिंग मिक्स है, पोटिंग मीडिया है, वो बहुत ही लाइट वेट इसका मीडिया होना चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने अभी देखिए, इसमें मैंने मिला रखा है 50% इसके अंदर जो कोकोपीट होता है, जो नारियल के जो रेसे होते हैं और उसका जो पाउडर फॉर्म में उसको बना के उसे कहा जाता है कोकोपीट। कोकोपीट का मैंने लिया है 50% और इसके अलावा मैंने 30% लिया है वर्मी कंपोस्ट और 20% मैंने इसमें लिया है परलाइट। ये वाइट वाइट जो दाने दिख रहे हैं आपको, ये परलाइट है। इस तरह से इसका पोटिंग मीडिया बनाया जाता है। पोटिंग मिक्स बनाकर हम इसको इस तरह से रिपोर्ट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से चलता है और इसकी वाइन बनती है, बड़ी लंबी बेल बनती है जिस पर इसी तरह के हार्ट के शेप के लीव्स लगते रहते हैं और उसी को हम काट काट के नए नए प्लांट हमारे उसकी प्रूनिंग कर दें और उसी से हम इसकी कटिंग लगा लें तो बहुत ही ईजीली प्लांट चल जाता है हमारा। और ये देखिए एक सेकुलेंट प्लांट है, इसीलिए इसको ना ही ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसे रखा जाता है इंडोर जहाँ पर रोशनी अच्छी आती हो लेकिन धूप बिल्कुल नहीं आती हो। रोशनी इसे आप अपने अगर बेडरूम में भी रखते हैं तो लाइट की रोशनी में, ट्यूबलाइट की रोशनी में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और देखिए मैं दिखाता हूँ, इसकी जो लीव्स है काफ़ी थिक होती हैं इस प्लांट की, तो इसका खुद का मॉइस्चर इसके लीव्स के अंदर बना रहता है तो इसीलिए इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और आप सर्दियों के दिनों में इसमें सिर्फ 15 दिन में एक बार अगर पानी देंगे तो काफ़ी है और गर्मियों के दिनों में आप इसमें 3-4 दिन में एक बार पानी हल्का सा इस पे इसके लीव के ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, वो इसके लिए काफ़ी होता है। ये जो दोनों प्लांट आप देख रहे हैं ये दोनों एक ही फैमिली से हैं, ये होया केरी होया हार्ट है और ये भी होया हार्ट है लेकिन ये इसमें ये वेरीगेटेड वाला है, बस इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक ही फैमिली के पौधे हैं, दोनों की वाइन बनती है और दोनों को लगाने का तरीका भी सेम है। इसके अलावा बात करें हम कि इसे कहाँ रखना चाहिए, तो इसे रखना है हमें इंडोर जहाँ पर सीधी धूप नहीं आए और क्योंकि गर्मियों के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं वो भी इसके लिए अच्छी नहीं होती, तो आप गर्मियों के मौसम में इसको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कि इसे रोशनी तो मिले लेकिन वहाँ हल्की ठंडक भी हो, ज़्यादा गर्म हवाएं चलने से भी इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए हम इसे जो गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में हम इसे इंडोर ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसे लाइट तो मिलती रहे लेकिन ज़्यादा गर्म हवाएं इस पर नहीं पड़े। गर्म हवाएं आने से इससे जो पत्तियां हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं और ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देने से भी इसकी जो लीव्स हैं वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पर ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब भी हम इसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो फर्टिलाइज़र वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का मतलब है या तो आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए या फिर इसके अलावा हम इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट जो कि समुद्री घास से बनी हुई जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है, ऑर्गेनिक खाद होती है, वो हम इसमें दे सकते हैं। बात करते हैं काउडंग का, जो कंपोस्ट होता है, काउडंग मैन्योर जो होता है वो इसमें दे सकते हैं कि नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको कि काउडंग मैन्योर जो है वो इसमें नहीं देना चाहिए क्योंकि काउडंग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसीलिए। और
एक बात और मैं आपको बता दूं, केमिकल फर्टिलाइजर चाहे एनपीके हो, डीएपी हो, यूरिया हो या कोई सा भी हो, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर आपको कभी भी नहीं देना है, क्योंकि एक सेकुलेंट प्लांट है, इसे फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन हम सिर्फ इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और सीविड एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा हमें इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, और फर्टिलाइजर भी सिर्फ हमें एक बार जब हम इसको प्लांट करते हैं, इसके अंदर रिपोर्ट करते हैं, उसी टाइम पर मिला देना है। इसके अलावा बार बार इसमें फर्टिलाइजर देने की भी ज़रूरत नहीं है और पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने अभी तक किसी भी पेस्ट का कोई अटैक नहीं देखा है, तो इसीलिए इस पे कभी भी पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को आप शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया पर, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो बेल का बटन है, इसे भी आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।